वैसे तुलसी शब्द का अर्थ क्या है मालूम है? तुलसी कौन? तुलसी कहते हैं तुला विष्णुना लसती, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है वो कौन है? तुलसी। यानी भगवान को जो अत्यंत प्रिय है उनका नाम है तुलसी। और आप सब जानते हैं, मैं व्याख्या नहीं करूंगा, बिना तुलसी के रहते नहीं भगवान। आप सब वैष्णव हो, ना कुछ खाते हैं ना रहते हैं, शालिग्राम जी की पूजा तो होती नहीं है बिना तुलसी के। बोलो, तुलसी से तुलसी दास बने। कब? गुरु कृपा जब हुई, नर हरिदास। वो भगवान हरि तुलसी के जीवन में नर के रूप में आए, यानी गुरु के रूप में आए, तो नर हरिदास जी के माध्यम से फिर तुलसी तुलसी नहीं रह गए, फिर वो भी तुलसी दास बन गए, दासत्व स्वीकार कर लिया। और गोस्वामी कब बने? नरहरिदास जी ने कहा, बेटे तुलसी, तुम यदि विद्याध्ययन करना चाहते हो, संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहते हो, तो जाओ काशी चले जाओ। तुलसीदास जी काशी पहुंचे हैं और वहां काशी में, बनारस में, वाराणसी में व्याकरण के, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान पंडित सनातन को स्वामी जी के चरणों में बैठ करके संस्कृत का अध्ययन किया है। तो आज से गोस्वामी तुलसीदास कहला गए। अब केवल तुलसीदास नहीं, सनातन को स्वामी जी की कृपा मिल गई, गुरु कृपा, शिक्षा गुरु के रूप में, तो तुलसीदास नहीं, गोस्वामी तुलसीदास बन गए। वैसे इनका नाम तो बाल्यकाल में, क्या नाम था? भोला। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, भोला। कहाँ के? उत्तर प्रदेश में ही राजापुर एक गांव है, चित्रकूट के पास, वहां के वासी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। भोला राम। बड़ी अद्भुत कथा है हमारी। तो राजापुर में जब भागवत की कथा हुई तो वहां आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वह लिखा हुआ रामचरितमानस ग्रंथ सुरक्षित रखा है। हमने आंखों से दर्शन किया, प्रणाम किया, आज भी सुरक्षित है। आप जाइए चित्रकूट के पास, गांव का नाम है राजापुर, और उस राजापुर गांव में गोस्वामी जी की कलम, वो तूलिका आज भी सुरक्षित है। आज भी सुरक्षित, दर्शन किया आपने भी दर्शन। उसी राजापुर गांव में एक किसी संस्कृत की विद्वान के यहां मेरी भागवत की कथा थी, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उस मानस का दर्शन का। कथा आप सबने सुनी है, रत्नावली जी के साथ इनका विवाह हुआ है। ये प्रवचन करते थे तो एक ब्राह्मण की पुत्री सुनने आती थी प्रवचन कथा, योग्य जान करके रत्नावली जी के साथ इनका विवाह हुआ। और धन्य है रत्नावली ने आज गोस्वामी जी को वो वैराग्य दे दिया कि तुलसी से तुलसी दास बना दिया। हा? लाज ना लागत आपको, दोरहिउ आयउ आप, धिक धिक ऐसे प्रेम को बार बार धिक्कार। बाल्यकाल में आप सबने सुनी होगी कि इतना इतनी आसक्ति थी अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति कि काशी में एक शव को नौका जानकर, नाव शव के ऊपर चढ़ गए रत्नावली से मिलने के लिए, और गंगा पार करके अपनी ससुराल, ससुराल के उस दीवार पर सर्प लटक रहा था, उसको रस्सी जान करके चढ़ गए और पत्नी रत्नावली से मिले। जो रत्नावली ने सुना, जो देखा कि सर्प को रस्सी बनाकर, शव को नौका बनाकर इतनी बड़ी आसक्ति, और तुरंत रत्नावली ने आज एक ऐसा पाठ पढ़ाया, धिक धिक ऐसे प्रेम को बार बार धिक्कार। इस हाड़ मास के पुतले में इतनी बड़ी आसक्ति,
यदि श्री राम के प्रति ऐसा प्रेम अनुराग होता तो जीवन धन्य हो जाता। बस इतना सुनना था कि प्रभु गोस्वामी तुलसी तुलसी नहीं रह गए, वो तुलसीदास बन गए, घर घर में अमर हो गए, उनकी वाणी अमर हो गई, अमर हो गई। संबत 1631 में राम नवमी के दिन से ही बाबा तुलसी ने इस रामायण का लेखन आरंभ किया। अब कई लोग कहते हैं कि 2 साल 7 महीने में पूरी रामचरितमानस लिखी गई, कोई कहते हैं 3 साल 21 दिनों में, जो भी हो हमें उस गणना में नहीं जाना, लेकिन बाबा तुलसी ने नवमी मंगलवार चैत्र मास उस ऐसे पावन अभिजित मुहूर्त में रामचरितमानस का आरंभ किया है।